हेलो हेलो व्हेन आर यू कमिंग बैक नेक्स्ट वीक की फ्लाइट है इट्स बीन 2 मंथ्स यार हां बट शादी से पहले आई नीड दिस प्रमोशन तुम्हारे पापा थोड़ी इज्जत तो करेंगे वो तो बहुत मुश्किल है 2 साल की रिलेशनशिप में तो तुम इज्जत नहीं कमा पाए यार वो इतने गुस्से में देखते हैं मुझे लगता है कि मंडप में बैठ के कहीं ये ना बोल दें तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से सच्चा प्यार करने की हां हां व्हाटएवर तुम्हारी मॉम का भी कॉल आया था कुछ पिक्चर्स भेजिए उन्होंने पूछ रही थी कि साड़ी के साथ कौन से मटेरियल का फॉल लगाना चाहिए कभी टाइम निकाल के उन्हें समझाओ ना कि लोकल टेलर और फैशन डिजाइनर में क्या फर्क होता है अरे ठीक है ना अब शादी के बाद बदले तो तुम वैसे भी लेने वाली हो अच्छा लिसन आई गॉट टू गो बॉस का फोन आ रहा है ओके बाय लव यू बाय लव यू रिया 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 अरे क्या हुआ रिया फक लिसन लिसन डोंट क्राई एक मिनट मेरी बात सुनो प्लीज तो क्या करूं फिर मैं हाँ आई एम 2 मंथ्स प्रेग्नेंट एक बार बाहर चलो पहले प्लीज It's okay. चलो आओ चलो Can you please call the doctor and take an appointment? हाँ 2 महीने तुम्हें पहले नहीं पता चला यू नो अर्जुन मेरी प्रॉब्लम है इरेग्युलर पीरियड्स की मुझे लगा इस बार भी वही है पर जब बहुत ज्यादा डिले हो गया तब मुझे याद आया था द लास्ट टाइम यू लेफ्ट वी डिड नॉट यूज प्रोटेक्शन एंड देन आई स्पोक टू निधि शी टोल्ड मी टू टेक अ टेस्ट वुड यू प्लीज कॉल द डॉक्टर नाउ यार आई एम रियली सॉरी मुझे उस रात ख्याल रखना चाहिए था डोंट गो ऑन दिस गिल्ट ट्रिप नाउ प्लीज तुम जानते हो उस रात हम दोनों किस जोन में थे जस्ट कॉल द डॉक्टर प्लीज और सुनो कांट यू कीप इट आई मीन द बेबी कांट यू कीप इट बट हैव यू कंप्लीटली लॉस्ट इट एक बार प्लीज बहुत प्रैक्टिकली सोचो अगर 1 महीने से ज्यादा हो चुका है तो अबॉर्ट कराने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तुम डॉक्टर हो तुम्हें सब पता है लेकिन क्यों नहीं रख सकते करने वाले ना शादी और 3 महीने बाद अभी कर लेंगे कोर्ट में कर लेंगे मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत दिमाग है अभी मत चलाओ प्लीज आई कांट टेक दिस शिट राइट नाउ लिसन प्लीज जरा ठंडे दिमाग से सोचो घर पे बताना वुड बी इजियर देन गेटिंग द अबॉर्शन डन आई डोंट थिंक वी शुड टेक द रिस्क कभी ना कभी तो करेंगे तो अभी से ही यू थिंक घर पे बताना इज माई प्रॉब्लम एंड वॉट डू यू मीन बाय कभी ना कभी तो करेंगे आई डोंट वॉन्ट किड्स नॉट नाउ नॉट लेटर एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस इन माई हेड सो प्लीज स्टॉप दिस बुलशिट एंड
कॉल द डॉक्टर. हेलो. हाँ जी, एक अपॉइंटमेंट चाहिए था. रिया जी, आज का ही नहीं, वो अब इट्स अबाउट समथिंग. हेलो, क्या दिस इज रिया हियर. अबॉर्शन कराना था. ओके, हाँ कल की अपॉइंटमेंट चलेगी. जी थैंक्स. I'm sorry if I was rude to you. It's okay. 100 चीजें चल रही होंगी तुम्हारी बॉडी में. It's not easy to carry a child inside your body. I know. और इससे भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है आगे का प्रोसेस. तो तुम हो ना, थोड़े दिन केयर कर लेना. मैं तो लाइफ टाइम केयर करने के लिए रेडी हूँ, तुम्हारी भी और उसकी भी. ऐसी बातें मत करो, यू जस्ट मेकिंग मी वीक. रिया यार, तुम कैसे एक जान को मार सकती हो? मतलब एक बार भी ख्याल नहीं आ रहा कि हम रख सकते हैं. मारना एंड सच सुनना चाहते हो तुम? नहीं आ रहा ख्याल मुझे. कभी तुमने सोचा है कि तुम अपने एस्थमेटिक डैड को दिल्ली की पॉल्यूशन में छोड़ के यहां काम की वजह से पौंडीचेरी में रह रहे हो? इसका क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है कि कभी कभी कुछ ख्याल आ जाते हैं मन में, बट प्रैक्टिकल लाइफ में उन चीजों को करना पॉसिबल नहीं है. और ये बताओ तुम कि अचानक से तुम्हें बाप बनने का भूत कहां से आ गया है? यार क्योंकि आई फील थिंग्स. फर्क पड़ता है मुझे कि तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है, एंड आई डोंट फील कि उसे मारना चाहिए. मारना चाहिए? तुम्हें पता है दुनिया में कहां कहां औरतें बस इस चीज के लिए लड़ रही है कि उनको अबॉर्शन का हक मिलना चाहिए, क्योंकि ये उनकी बॉडी है, उनकी चॉइस है, एंड आगे भी उन्हें ही झेलना होता है और डिसीजन भी उनका ही होना चाहिए. आई एग्री, होना चाहिए. पर क्या तुम ये सिर्फ इसलिए कर रही हो कि प्रेगनेंसी अनप्लान्ड है, या फिर तुम्हें बच्चा चाहिए नहीं, ना आज ना शादी के बाद? एज यू जस्ट सेड. क्या? एंड यू नेवर बॉदर टू डिस्कस इट विद मी. शादी कर रहे हैं यार हम. बॉदर तो तुमने भी नहीं किया मुझे बताने का कि तुम्हें बच्चे चाहिए. यार जरा अपने आसपास देखो, तुम्हें भी उतनी प्रॉब्लम्स है जितनी मुझे है, तो फिर क्यों तुम इस जहन्नुम में उस छोटे से बच्चे को लाना चाहते हो? यार मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, डिसीजन तुम्हारा ही होगा एंड आई विल स्टैंड बाय इट. लेकिन एज फार एज आई कैन सी, तो अपने इस डिसीजन से तुम ही इफेक्ट होने वाली हो. आई मीन यार, तुम्हारे टायर के नीचे एक बार गिलहरी आ गई थी, तुमने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था. आई कैन सी यू सफर फॉर लाइफ. आई नो, बट अभी ये तुम्हारे लिए एक इमोशनल डिसीजन है जो सही भी हो सकता है, बट मेरे लिए ये एक डिसीजन मेरी पूरी लाइफ बदल देगा. मेरे ड्रीम्स, मेरे एस्पिरेशंस, मेरा करियर, मेरी लाइफ जो मैंने तुम्हारे साथ देखी थी, सब बदल जाएगा. एंड एक बच्चे को बड़ा करने के लिए लोग अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं और फिर भी सही से नहीं कर पाते. ऑनेस्टली आई डोंट इवन थिंक आई एम केपेबल ऑफ बीइंग अ गुड पेरेंट, नॉट नाउ, नॉट एनी टाइम सून, नॉट लेटर. यू आर राइट. Maybe we are not capable enough. Maybe we are selfish. अरे जस्ट बिकॉज हमारे पास एक लाइफ शुरू होने से पहले उसको खत्म करने की पावर है, तो हम क्या खत्म कर देंगे उसे? And I thought you'd understand. I think we should get ready. कोई बात नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि कपल्स को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये
होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट इतनी रिलायबल नहीं होती, बट आई अंडरस्टैंड आपकी बॉडी में ऑलरेडी 10 तरीके की कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, सो आप जाइए और उन पर फोकस करिए इमीडिएटली। तुम ठीक हो? हाँ, तुम? ठीक। इट्स ओके, कम से कम ये डिसीजन तो हमने म्यूचुअली लिया। हाँ, 2 साल के बाद भी हम एक दूसरे को ज्यादा जान नहीं सके ना? शायद कोशिश भी नहीं की जानने की। कुछ बातें इतनी सिंपल होती है कि हम कभी उन्हें करते ही नहीं है, और कई चीजों की जरूरत भी महसूस नहीं होती जब तक वो आके सामने ना खड़ी हो जाए। I will miss this house. Yeah, me too. लेकिन किराए का घर कभी ना कभी तो छोड़ना ही था। और जब हम ही साथ नहीं है तो इस घर का क्या करेंगे? या